महात्मा गांधी की 192 आज जयंती है और इस मौके पर पूरे देश में उत्साह के साथ उनकी जयंती मनाई जा रही है। वहीं बिहार की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान पहुंचकर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती के मौके पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माल्यार्पण किया उनकी प्रतिमा पर और उन्हें याद किया। उनकी तमाम चीज़ें याद उन्होंने ताज़ा किया और पत्रकारों के कई सवालों के भी जवाब देते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर, उनकी जयंती के मौके पर, जरा उनके बयानों को सुनिए। अरे रुके ना, वो जयंती पे बोल रहे हैं। आकर सब लोग सर किसी बात को याद करते हैं, लोगों को हमेशा उनके विचारों को भी न सिर्फ उनको मान करके आगे चलना है बल्कि नई पीढ़ी तक उनके विचारों को पहुंचाना है ताकि देश आगे बढ़े, दुनिया आगे बढ़े और सब लोगों में आपस में प्रेम और भाईचारे का सद्भावना का वातावरण। नीति आयोग ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बिहार के, बोल रहे हैं भगवान फागु चौहान और मोहित ग्रामी वजीर श्री फागु चौहान द्वारा बापू गांधी के प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण। महामहिम राज्यपाल श्री फागु चौहान माल्यार्पण कर रहे हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार राष्ट्रपिता बापू गांधी के प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर रहे हैं। मोहित ग्रामी वजीर आला जनाब नीतीश कुमार अपनी अकीदत के फूल पेश कर रहे हैं। माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन माल्यार्पण कर रहे हैं। साथ ही उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति भी अपने बाद दिग्रह कर्मानुसार माल्यार्पण कर रहे हैं। अकीदत के फूल निछावर कर रहे हैं मोहिब्बे गिरामी वजीर आला जनाब नीतीश कुमार अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तार किशोर प्रसाद और माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन माल्यार्पण कर रहे हैं। साथ ही उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति भी अखिल भारतीय दिग्विजय कर्मानुसार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर रहे हैं। आपने साफ तौर से सुना कि जो महात्मा गांधी हैं उनकी जयंती पर वो तमाम यादें उन्होंने ताज़ा की और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर भी उनकी कुछ जो यादें हैं उन्हें लोगों के सामने उन्होंने साझा किया। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।